हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना केस में लगातार गिरावट, एक दिन में 59,958 लोग पॉजिटिव, 75 दिन में सबसे कम केस, 24 घंटे में 2,732 लोगों की मौत। कोरोना से एक दिन में 1,70,000 लोग ठीक हुए हैं और देश में 9,08,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के 131 नए केस, 22 फरवरी के बाद सबसे कम केस, 16 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में भी कमी हुई है कोरोना की रफ्तार में, एक दिन में सिर्फ 339 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 74 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,129 नए केस सामने आए हैं, 14,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। मुंबई में कोरोना के 529 नए केस मिले हैं, 19 लोगों की जान गई है। मुंबई के धारावी में बीते 24 घंटे में नहीं मिला एक भी कोरोना केस। केरल में कोरोना के 7,719 नए केस सामने आए, 161 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना से 6,835 लोग संक्रमित हुए हैं और 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 4,549 लोग संक्रमित, 10,000 से ज्यादा लोग ठीक। ओडिशा में कोरोना के 4,339 नए केस, 44 लोगों ने दम तोड़ा। तेलंगाना में कोरोना के 1,511 नए केस, 12 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 599 केस, 9 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 277 नए केस और 20 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा वैक्सीनेशन का ट्रायल, कोवैक्सीन के डोज दिए जाएंगे, आज से शुरू होगा नामांकन। एम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर संजीव सिन्हा का बयान, कहा 3 से 4 महीने में बच्चों पर ट्रायल के नतीजे आएंगे। देश में अब तक 25,87,00,000 से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। यूपी के सीतापुर में एक छोटी बच्ची का अनूठा तरीका, स्केटिंग करते हुए लोगों के बीच जाकर टीका लगवाने की अपील की। नोएडा के गार्डेनिया गैलरिया सोसाइटी ने कायम की मिसाल, मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत सोसाइटी के कर्मचारियों, घरों में काम करने वाले लोगों को मुफ्त टीका लगवाया। पश्चिम बंगाल में शर्तों के साथ 1 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन, 25% क्षमता के साथ खुलेंगे निजी और सरकारी दफ्तर। बंगाल में सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स, बिना दर्शकों के हो सकता है खेलों का आयोजन। बंगाल में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, दोपहर 12 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस नहीं मानी तो लॉकडाउन में दी गई छूट वापस की जाएगी। उत्तराखंड में शर्तों के साथ 22 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ चार धाम यात्रा पर जा सकते हैं लोग। केरल में लॉकडाउन पर 16 जून को होगा फैसला, क्षेत्रों के हिसाब से लागू होंगे पाबंदियां। कुछ छूट के साथ पुडुचेरी में 21 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया, शादी समारोह में 25 लोग शामिल हो सकते हैं। तमिलनाडु में लॉकडाउन में छूट के बाद खुली शराब की दुकानें, मदुरै के एक शख्स ने शराब की बोतल की पूजा की। 16 जून से खुलेंगे लाल किला, ताजमहल समेत सभी केंद्रीय स्मारक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐलान किया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिली एम्फोवी के 1,00,000 से ज्यादा शीशियां, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने जानकारी दी। पीएम केयर फंड से लगाए गए 850 ऑक्सीजन प्लांट, डीआरडीओ के चेयरमैन ने जानकारी दी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर दिल्ली के निजी अस्पतालों की पहल, खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं अस्पताल। बीपीएल परिवारों के लिए कर्नाटक सरकार का फैसला, कामकाजी सदस्य की कोरोना से मौत होने पर 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। ब्रिटेन में 4 हफ्ते के लिए बड़ा लॉकडाउन, जॉनसन बोले उम्मीद है 19 जुलाई को खत्म हो जाएगी सभी पाबंदियां। कोरोना संक्रमण से ओमान बुरी तरह से प्रभावित, बेड के लिए लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार, मेडिकल स्टाफ की भी कमी। नोवावैक्स की वैक्सीन वायरस पर 90% तक असरदार, कंपनी का दावा, अलग अलग वेरियंट पर भी असरदार है। फ्रांस में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन जारी, जून तक 30 मिलियन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन का बयान, अगर नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन सहमत होंगे तो वैक्सीन देंगे। राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाले के आरोप पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने फिर जारी किया बयान, लोगों से किसी भी दुष्प्रचार में विश्वास नहीं करने की अपील की। चंपत राय ने सामने रखा भूमि सौदे का पूरा लेखा जोखा, कहा जगहों को सहमति से खरीदा जा रहा है, विस्थापित हुए लोगों को उनकी सहमति से दूसरी जगह बसाया जाएगा। जमीन विवाद पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, जमीन की कीमत 10 मिनट में नहीं बल्कि 9 साल में बढ़ी है। आलोक कुमार ने कहा 2012 में 2 करोड़ कीमत थी, अब बाजार में भाव बढ़े हैं और कीमत हो गई है 18 करोड़ से ज्यादा। आलोक कुमार ने पूरे मामले को भ्रम पैदा करने की साजिश भी बताया, कहा राम मंदिर ट्रस्ट को मानहानि का केस करना चाहिए। राहुल गांधी ने राम मंदिर जमीन घोटाला मामले पर फिर किया ट्वीट, लिखा श्री राम स्वयं न्याय है और सत्य है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट पर लगाया घोटाले का आरोप, कहा मामले में संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, राम जन्मभूमि को बदनाम करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है विपक्ष। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंची है, जमीन खरीद का सच बताए ट्रस्ट प्रमुख।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर को बनाया व्यापार का माध्यम। राजस्थान सरकार राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाली स्पेशल पिंक स्टोन की जल्द ही ई नीलामी शुरू करेगी। पीएम मोदी ने की राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई मंत्रियों के साथ बैठक, अमित शाह के साथ जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। पीएम की बैठक में मंत्रालयों के दो सालों के कामकाज पर चर्चा हुई, मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें। बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में हिंसा को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान, शुभेंदु अधिकारी समेत 50 विधायकों ने सौंपा है ज्ञापन, बंगाल की भयावह स्थिति का वर्णन किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाथ जोड़कर अपील की, खून से सना हुआ बंगाल नहीं देखना चाहते हैं, बंगाल में किसी का मन भय मुक्त नहीं है। मुकुल रॉय होंगे टीएमसी के उपाध्यक्ष, 3 राज्यों की संभालेंगे जिम्मेदारी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान, का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी, आलाकमान कहेगी तो सीएम का चेहरा बनने को तैयार। नाना पटोले के बयान को रामदास अठावले ने गैर जरूरी बताया, का अभी सीएम पद के लिए गठबंधन में करे बात, अगर सीएम पद नहीं मिलता है तो गठबंधन से ही हो जाए बाहर। राजस्थान कांग्रेस में कलह और तेज, बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने दिखाए तेवर, 6 में से 4 एमएलए ने अलग से बैठक की, गहलोत सरकार से नाराजगी भी जताई। राजस्थान कांग्रेस में घमासान के बीच सचिन पायलट का आज आएंगे जयपुर, लेकिन गहलोत अगले 2 महीने तक किसी से नहीं करेंगे मुलाकात। पशुपति कुमार पारस लोकसभा में एलजेपी के संसदीय दल के नेता बने, स्पीकर ने मंजूरी दी। चिराग से नाराज चाचा पशुपति पारस ने कहा, चिराग ने अकेले ही एनडीए से अलग होने का फैसला किया, रामविलास पासवान एनडीए के साथ रहना चाहते थे। पशुपति पारस ने कहा, मैंने पार्टी तोड़ी नहीं बचाई है, पार्टी हमारी रहेगी, चिराग को आना है तो आए। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी बोले, अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी में अलग थलग पड़े हैं चिराग, अपने पिता की विरासत को आगे नहीं ले जा पाए। केजरीवाल ने किया ऐलान, गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तेलंगाना के पूर्व मंत्री एटाला राजेंद्र बीजेपी में शामिल हुए, धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी का बीजेपी पर तंज, नागार्जुन सागर उपचुनाव में जमानत बचाने में नाकाम रही है बीजेपी। संयुक्त राष्ट्र के हाई लेवल डायलॉग में पीएम मोदी का संबोधन, पीएम ने धरती को बंजर होने से बचाने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत में बीते 10 साल में वन क्षेत्र में 30 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को ठीक करने की दिशा में काम कर रहा है, कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जानकारी दी। G7 समिट में पीएम मोदी के शामिल होने पर ब्रिटेन ने जताई खुशी, कहा वैश्विक चुनौतियों से दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या के मंत्रियों के साथ बैठक की, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। जून में होगी G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा दुनिया को उपदेश देने से पहले केंद्र खुद करे अमल। सीएम ममता बनर्जी का बयान, वन नेशन वन राशन स्कीम लागू करने से दिक्कत नहीं, काम जारी है। मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए सरकार का एक और कदम, डोमिनिका हाईकोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने दायर किया हलफनामा। भारत सरकार ने डोमिनिका कोर्ट में हलफनामे में कहा, मेहुल चौकसी भारत का नागरिक है, वो नागरिकता ना होने को लेकर गलत दावे कर रहा है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, 15 जून से 3 जुलाई के बीच होगा चुनाव। जेएनयू ने आयशी घोष समेत दूसरे छात्रों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, 2018 प्रदर्शन मामले में नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली में आज मॉनसून के दस्तक देने का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक गरज के साथ आज हो सकती है बारिश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने फायरिंग की, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा के सेक्टर 24 में चेकिंग के दौरान गाड़ी चुराने वाले गैंग के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, 2 बदमाश गिरफ्तार। बॉलीवुड में ड्रग्स लेते 5-स्टार होटल में एक्ट्रेस और उसकी साथी गिरफ्तार, कोर्ट से जमानत मिली। मुंबई में पेट्रोल पंप मिलाने के नाम पर 45 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 2 फरार, मुंबई पुलिस ने बिहार से आरोपी को पकड़ा है। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े बाजार में एक दुकान में फायरिंग की वजह से दहशत फैली, सीसीटीवी में वारदात की तस्वीरें कैद हुई हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के मुलुंड ईस्ट टोल नाके के पास एक रेंज रोवर कार में अचानक आग लग गई, कार पूरी तरह से जलकर खाक, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर, जनवरी से अब तक 7 बच्चों की मौत, 30 बीमार। यूपी के फतेहाबाद में बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित निकाला गया, 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को रेस्क्यू किया इंडियन आर्मी के जवानों ने। हैदराबाद में एनजीओ की नेक पहल, जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इंदौर में लॉकडाउन खुलते ही बाजार में उमड़ी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन। अमेरिका में शिकागो के पास एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लगी, फायर फाइटर्स ने प्लांट में मौजूद 70 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में झाड़ियों में लगी आग की चपेट में आए 2 घर जलकर राख, आसपास के लोगों को घर खाली करने को कहा गया। अमेरिका के टेक्सास में मड रेसिंग इवेंट के दौरान हादसे में एक शख्स की मौत, एक जख्मी। इजराइल के नए पीएम नफ्ताली बेनेट ने कहा, भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के आरोप को हास्यास्पद बताया। अमेरिका ने रूस पर साइबर अटैक का आरोप लगाया है। थोक महंगाई दर 12.94% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची है, अप्रैल में 10.49% थी। तेलों की बढ़ती कीमत का खुदरा महंगाई दर पर भी असर पड़ा है, मई में बढ़कर 6.3% हुई है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम होगी मालामाल। विजेता टीम को 12 करोड़ रुपए की मोटी रकम मिलेगी। रनर अप टीम को मिलेंगे 5.85 करोड़ रुपए की राशि। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ड्रॉ होने पर दोनों टीमें बनेंगी ज्वाइंट विनर। दोनों टीमों को बांटनी होगी इनामी राशि। 18 जून से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा मैच। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी जांच पर सीबीआई का बयान। सभी पहलुओं पर बारीकी से किया जा रहा है काम। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का बयान, ताजुब की बात है कि सीबीआई अभी तक कुछ नहीं कर पाई। सांसद रवि किशन ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सीएम योगी को खत लिखा। भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की मांग। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।